Delhi Chief Minister's wife Sunita Kejriwal has slammed BJP after CM Kejriwal was sent to judicial custody. ग्यारह दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम एक ही खबर बताइए, मुख्यमंत्री मैम सीएम साहब से आपकी बात नहीं, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? ग्यारह दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम सीएम साहब से आपकी बात नहीं, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? My colleague Ayush Sharma joins us on the broadcast to give us more on this. Ayush, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's wife there, Sunita Kejriwal, slamming the Bharatiya Janata Party. Over to you to give us more details on this. जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये रुख अपनाया जा रहा था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से 3 महीने पहले ही ये बात बोलनी शुरू कर दी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, और तब से ही हमलावर रुख पर आम आदमी पार्टी सामने आई थी। जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया है तब से एक प्रदर्शन की लड़ी लग गई थी, और इसी बीच एंट्री होती है सुनीता केजरीवाल की, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी राजनीतिक बयान जो अभी तक नहीं दिए थे वो भी देने शुरू कर दिए थे। बाहर रैली में कल जो विपक्ष की हुई थी उसमें सुनीता केजरीवाल मौजूद रही थी, लगातार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। उनकी तरफ से जो बयान थे, जो दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल कहना चाहते थे जब वो ईडी की कस्टडी में थे, वो सारे बयान वो प्रेस के सामने लाकर सुनीता केजरीवाल रखती रही। और अब जो भारतीय जनता पार्टी पर सुनीता केजरीवाल ने हमला बोला है, लगातार आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगा रही है, फिर चाहे वो तानाशाही की बात हो या फिर ये बात हो कि जो मोदी सरकार है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, यही रुख आम आदमी पार्टी का बना हुआ है, और इसी स्टैंड पर सुनीता केजरीवाल भी कायम है। जी, फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।